सुप्रभात सभी गुरुजनों को, राकेश चतुर्वेदी का सादर प्रणाम। ये पॉली हाउस, और अब हमने जो काम किया है, काफी टाइम हो गया था हम लोगों ने अपनी कोई वीडियो अपने प्रोजेक्ट की डाली नहीं, तो पहले वाली सफाई जो करनी थी हमने खेतों की, सारी सफाई कर दी है। और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक दोबारा से सेकंड सीजन के बारे में, जो अब यहाँ वर्किंग होती है, उसके बारे में आपको एक बार दिखाऊं, और सारी जो पहले की ककड़ियाँ, मूली, छल्ली जो लगी हुई थी, वो खेत पूरे तरीके से हमने सुचारू रूप से कर दिए हैं। तो आप लोगों को दोबारा से एक एक खेत में हमने क्या लगाया है, और आगे 3 महीने के अंदर हमें क्या क्या पौध मिलेगी यहाँ पे, तो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, हमने सबसे ऊपर वाला खेत आलू के लिए तैयार कर दिया था, इसके ऊपर हमने हल लगा लिया था। हल लगाने के बाद सारे खेतों को हमने प्रॉपर तरीके से मिट्टी को रिफाइंड कर दिया था। ऑर्गेनिक खाद जो यहाँ होती है, बकरी के मल से जो बनाई जाती है, वो खाद हम लोगों ने यहाँ पे डाल के अभी आलू की क्यारियाँ बनाई हैं। और ठीक आलू की क्यारी यहाँ पे ख़त्म होती है, और ठीक अब आगे तक हमने लहसुन की बीज हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब लहसुन होएगी, क्योंकि इस एरिया में लहसुन इसलिए लगाई क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा एरिया है, यहाँ पे हर समय औस पड़ती रहती है, और आलू हमने इस साइड लगाए तो यहाँ पे डायरेक्ट धूप आती है, तो जहाँ पे धूप आती है, जहाँ पे ठंडा नहीं है, वहाँ पे हमने आलू लगाए हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा औस पड़ती है, हम जैसे पाला कहते हैं इसे, तो पाला हमेशा गीला ही रखता है ज़मीन को, तो वहाँ पे हमने लहसुन लगाया है। तो ये देखें, ये उस साइड पॉली हाउस, ये अपना जियो टैंक है, ठीक इसके ऊपर हम लोगों ने आलू लगाए हैं, ठीक इसके इस साइड जहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है, धूप वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, वहाँ पे हमने लहसुन लगाए हैं। तो ये देखें, ठीक अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमने 70-80 पौधे रखे हुए हैं, जो अगले महीनों में हम पौधों की रुपाई चालू करेंगे। इन पौधों में हमारे सारे ही हैं फलों के। तो ये टैंक के बगल में भी हमने आने वाले टाइम पे स्विमिंग पूल, या हम लोग इसको खाल कहते हैं, इसको हम एक बहुत बड़ा खुदाई करके बनाएंगे, जो मैंने पॉली हाउस के बगल में है, ठीक पॉली हाउस के ऊपर और जियो टैंक के नीचे। ये दो खेत और हमने पहले, जिनमें हमने छलियाँ लगा रखी थी, ये खेत भी हमने तैयार कर दिए हैं। तो हमारे पास सबसे ऊपर वाला 1, 2, जियो टैंक वाला 3, 4 एंड 5 ये खेत हमने चालू कर दिए। 5 खेतों में हमने लहसुन और आलू लगा दिए। अब हम मटर लगाने हैं और प्याज लगाएंगे आगे, प्याज की पौध पॉली हाउस में लगाएंगे। तो इतना ही काम हुआ था, 5 खेतों को हमने भी सुचारू रूप से चालू कर दिया है। और ठीक है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं लाइनिंग, इसके इस साइड आलू है, और जो आप जो एरिया प्लेन देख रहे हैं उस पर सब पे हमने लहसुन लगा रखी है। तो अब इनके साइडों पे खड़े उसमें मटर लगाएंगे, मूली लगाएंगे, पालक होएंगे, धनिया लगाएंगे, ऊपर छोटे छोटे खेतों को तैयार करेंगे, पॉली हाउस को तैयार करेंगे। तो देखते रहें और जुड़े रहें हमारे अगले वर्किंग को। जय भारत, जय उत्तराखंड।